मैं 24 साल की उम्र में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राजा भैया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव जीता था। अगले बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उनके खिलाफ प्रचार करने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कुंडा पहुंचे। कल्याण सिंह ने वहां कहा था कि गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वजा उठाए दो हाथ, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार उस समय भी राजा भैया से हार गए। कुंडा को गुंडा मुक्त कराने का नारा देने वाले कल्याण सिंह ने बाद में राजा भैया को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया था। खुद को किसान बताने वाले राजा भैया ने इस साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और वो लगभग 14 करोड़ रुपए का है। इस संपत्ति में उनकी पत्नी भानवी सिंह और चारों बच्चों की हिस्सेदारी है और इस संपत्ति में आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बिजनेस वुमेन भानवी सिंह है। राजा भैया ने अपने एफिडेविट में खुद से ज्यादा संपत्ति पत्नी के नाम पर दिखाई है। उनके खाते में जहां 6 करोड़ की संपत्ति है, वहीं उनकी पत्नी भानवी सिंह के खाते में 7.2 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भानवी के पास 1.2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। यही नहीं, उनके पास 2 लाख की 3 पिस्टल राइफल भी है। भानवी की सारंग इंटरप्राइजेज में 85% की पार्टनरशिप भी है। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट।